मैं सोचता कुछ है और हो जाता कुछ है। हर की माया का पता नहीं पड़ता। इस उपदेश के माध्यम से कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन किया है, सुनेंगे क्या बताया वाला। अरे बोला रे अपरम पार तेरी माया, और तू के कर दे एक क्षण में, और मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में, मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में। अरे अपरम पार तेरी माया रे, अपरम पार तेरी माया, तू के कर दे क्षण में, जो मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में, मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में। रावण ने भी बहुत कुछ सोचा था, और क्या क्या सोचा था पहली कली के माध्यम से। और मन में सोची रे, और मन में सोची रावण ने, और पर में पैड़ जाऊं मैं, सब दुनिया आराम करेगी दूध बनाऊं मैं, सब दुनिया आराम करेगी जल का दूध बनाऊं मैं, और जल की कोई अपनी का धुआं इसने दूर हटाऊं मैं, बाप से पहले मरे ना बेटा ओ यो भी कष्ट मिटाऊं मैं, ओ बाप से पहले मरे ना बेटा यो भी कष्ट मिटाऊं मैं। कहते कहते आगी मूर्छा, कहते कहते आगी मूर्छा, आगे स्वर्ण में वो मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में, मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में। पहुंच गया रामायण, उस त्रेता युग में दशरथ ने भी अपने मन में बहुत कुछ सोचा था, केवल राम को राज तिलक करा दूं, लेकिन मन की सोची नहीं हुई, समय का फेर पड़ा, और के बताया दूसरी कली के माध्यम से। और मन में सोची भाई, मन में सोची दशरथ ने रे, मन में सोची ए दशरथ ने, सब पंडित लोग बुलाए राम को दे दो राज तिलक, और कर लियो मन ते चाहे, राम को दे दो राज तिलक, और कर लियो मन ते चाहे। फिर चरत भरत की माता ने फिर तिरिया फैल रचाए, छोटे साल का दिया दिशोटा छोटे वचन सुनाए।
छोटा छोटे वचन सुनाए भाई नीचे कदम नीचे रहेगा नीचे कदम नीचे रहेगा ऊपर चढ़ा गगन में ये मन की सोची बढ़ती कोना जो मानस के मन में और मन की सोची बढ़ती कोना जो मानस के मन में बात में खोला हवाला उसी दुर्योधन का जिसको बहुत ही अभिमान था लेकिन उसकी भी मनचाही नहीं हुई पूरा महाभारत करा दिया पूरा अपना कुटुंब खपा दिया लेकिन उसके मन की नहीं हुई। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद जी और क्या बताया तीसरी कली के माध्यम एकदम अग्नि सर पे चढ़ गई कुछ ना पार बसाई एकदम अग्नि सर पे चढ़ गई कोना पार बसाई पेट खोल के रह देखण लगा एक गुप्ती मोरी पाई और फिर छे जीव जमरे जल के फिर दुनिया देखण आई ओ फिर छे जीव मरे जल के लू दुनिया देखण भाई 101 भेंट में देखे 101 भेंट में देखे अरे अग्नि करी वचन में ओ मन की सोची बढ़ती कोना जो मानस के मन में मन की सोची बढ़ती कोना जो मानस के मन में और 200 रुपए आदरणीय हमारे फूफा जी रामजस यादव जी जो 200 रुपए का आशीर्वाद हमारी छोटी सी मंडली के लिए दे रहे हैं एक बार जोरदार तालियां हो जाएं फूफा जी के लिए जोरदार तालियां आइए। और चौथी कली में बिल्कुल बात का तोड़ कर दिया इंसान के लिए लिख दी कवि ने कभी इंसान को समय के अनुसार चलना चाहिए जैसा समय हो वैसा बरत ले वही इंसान कामयाब होता है जिंदगी में। और क्या बताया आखिरी कली में बता कर ले एक अलना लानी चाहिए ओ कॉल करे सो ये वे कर ले एक परना लानी चाहिए बुंडी बात की चर्चा ना कदम मुंह से ठानी चाहिए अरे बाप सुनो चाहे बेटा सुनो इसी सभा में गानी चाहिए बाप सुनो चाहे बेटा सुनो इसी सभा में गानी चाहिए लक्ष्मी चंद तुम संभलो रे कह लक्ष्मी चंद तुम संभलो हमें लागो हरी भजन में अरे मन की सोची बढ़ती कोना जो मानस के मन में मन की सोची बढ़ती कोना जो मानस के मन में अरे अपरम पार तेरी माया रे अपरम पार तेरी माया तू ये कर दे के क्षण में की सोची बढ़ती कोना जो मानस के मन में मन की सोची बढ़ती कोना जो मानस के मन में जोरदार ताली
जी गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु जी गुरुर् देव महेश्वराय गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि आरि भवानी वास कर कि आरि भवानी वास कर मेरे हृदय के पट खोल और मेरी रसना पे वासा करो तुम्हारी शुद्ध वाणी मुख बोल और मन सुमर लिए जगदीश और मन सुमर लिए जगदीश श्री सुरेश गोला सतगुरु मेरे गुरु जी के चरण नवाऊं शीश। आइए किस तरह से के बताया हे रे अभिमानी और अभिमान करे थे और बिना कजा के मर गए और पापी डूबे बीच दार में राम भजनिया तरगे राम भजनिया तरगे। हे अभिमानी अभिमान करे थे अभिमानी अभिमान करे थे और बिना कजा के मर गए पापी डूबे बीच दार में राम भजनिया तरगे राम भजनिया तरगे। कसर कौन सी रावण में थी कसर कौन सी हाँ ब्राह्मण बेदाचारी उसने भी एक जुलम किया हर ली थी जनक दुलारी ली थी जनक और मैं माता तक करे पीसना और देती पवन बुहारी जग इंदर से जग इंदर से छिड़काव करे थे जो स्वर्ग के अधिकारी जो स्वर्ग के अधिकारी और गढ़ लंका पे युद्ध हुआ रे गढ़ लंका पे युद्ध हुआ तालाब खून ते भर गए पापी डूबे बीच दार में राम भजनिया मर गए राम भजनिया तरे गए। पापी डूबे बीच दार में राम भजनिया तरगे राम भजनिया तरगे। लात मार के भाई भगाया छीनी थी घर वाली और छीनी थी घर वाली ओ वासुकृत के चिट्ठी देखो भाई ईश्वर के याली चल्या राम का वाण रह जाते ने वार गया न खाली वार गया न खाली हा
विंध के वाण जो मारा तार विंध के वाण जो मारा रात के तू पखेरू के आधी डूबे बीच दार में राम भजनिया तर गे राम भजनिया तर गे थोड़ी देर में मालिक बन गया मूरख उमा सती का मूरख उमा सती का और वाजा के वो चेला बन गया अज वो कैला से पति का सत्य डिगाने दिख सत्य डिगाने चला साथ में देखो पार्वती का देखो पार्वती का और हाथ धरा और भस्म करा रे हाथ धरा और भस्म करा पंच पंच फैसला करके आप ही डूबे तीर्थधार में और राम भजनिया तरगे राम भजनिया तरगे चली रे सगुनी ने चाल चली जुए की बाजी लगाई हार गए वो पांडव द्रौपदी सभा बीच बुलवाई सभा बीच बुलवाई और अर्जुन भी मैं नकुल सहदेवा और धर्मराज बड़े भाई दिख सभापति अरे सभापति सब बैठे वहाँ पे पर एक बेदना खाई एक बेदना खाई ओ हो कह लक्ष्मी चंद रोवे द्रौपदे कह लक्ष्मी चंद रोवे द्रौपदे पांचों पांडव मर गए बीचदार में और राम भजनिया पर गे राम भजनिया पर गे अभिमानी अभिमान कर थे अभिमानी अभिमान कर थे डूबे बीचदार में राम नगरिया पर गे वो राम नगरिया पर जोरदार ताली।